मास्टर शेफ, मैं हूं शेफ हरपाल सिंह सोखी। फॉर्च्यून के 20वीं सालगिरह पर मैं कुछ चुनिंदा रेसिपीज लेके आ रहा हूं पूरे भारतवर्ष से। अब पूरे भारतवर्ष से कुछ घर का खाना लेके आ रहा हूं। जी, ये जो रेसिपी आज बना रहा हूं ये बिल्कुल कंफर्ट फूड वाली रेसिपी है, क्योंकि देखिए मेरा जन्म हुआ खड़गपुर में, वेस्ट बंगाल में, और वहां से लेके नॉर्थ ईस्ट तक एक थ्रेड है जो रेसिपीज को जोड़ता है कंफर्ट फूड पे। और ये जो रेसिपी मैं बना रहा हूँ इट्स कॉल्ड बोटार दाली, यानी कि अरहर दाल और बिलाही तूप यानी टमाटर की चटनी। और ये मेरी बेबे भी जब बनाया करती थी ना, सीरियसली विद स्टीम राइस मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती थी। और ईस्ट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल, वो भी प्योर क्वालिटी यूज करें। तो हम फॉर्च्यून का कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल यूज करेंगे, वो भी प्योर क्वालिटी, मजेदार वाला। सबसे पहले दाल सोक करते हैं, और दाल मैं यूज कर रहा हूं फॉर्च्यून की अरहर दाल, जिसको हम तूर दाल के नाम से भी जानते हैं। काफी सारे टेस्ट के थ्रू ये प्रोसेस की जाती है और बहुत ही मजेदार है। अरहर दाल कंफर्ट दाल है एक्चुअली, पूरे ईस्ट की या पूरे इंडिया की मैं कह रहा हूं। तो इसको हम पहले सोक कर लेते हैं दाल। बढ़िया, तो एक कप अरहर दाल ले लेते हैं। और आधा कप मसूर दाल लेते हैं, मलखा मसूर। दोनों दालों को सोक कर लेते हैं, आधा घंटा तक सोक करना है। वैसे तो मसूर दाल जो है बिना छिलके वाली, ये वाली, ये तो 15 मिनट में तैयार हो जाती है। अरहर दाल को थोड़ा समय लगता है, तो लगभग आधा घंटा तक सोक करने रख देता हूं मैं। तब तक एक काम करते हैं, हम जो टमाटर की चटनी है जिसको हम बिलाही तुक कहते हैं, मेरे प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है आसामी लहजा ना हो, लेकिन टमाटर चटनी भी कह सकते हैं, बिलाही तुक ये बनाते हैं। इसके लिए एक पैन लेते हैं, और मैं यहां पे यूज कर रहा हूं फॉर्च्यून का कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल, एकदम प्योर क्वालिटी है जी। ये देखिए, वाह क्या बात है ना, बढ़िया। तो ये यूज करते हैं, और पूरे ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और काफी जगहों पे जो है कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल ही यूज किया जाता है। और इसमें डाल लेते हैं फॉर्च्यून का प्रीमियम कच्ची घनी प्योर मस्टर्ड ऑयल, ये लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे 5 फोरन यानी कि क्यूमिन सीड्स, मस्टर्ड सीड्स, सौंफ, मेथी दाना और कलौंजी। वैसे ईस्ट में राधुनी ज्यादा यूज करते हैं, अगर आपको ना मिले तो कलौंजी यूज करें। अब इसमें तेज पत्ता ये डाल लेते हैं 2, और लाल मिर्च ये डालते हैं, ये लीजिए सूखी लाल मिर्च। अब जैसे ही मस्टर्ड सीड्स फ्लटर करें, फट 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 करें, तो इसमें एक छोटा प्याज चॉप डाल के सौते करें। 2 मिनट भूनने के बाद इसमें 4 से 5 बिल्कुल लाल टमाटर डालें, और इसको भूनते हैं अच्छे से। इसमें नमक डाल लेते हैं, आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक डाल लें। मसालों में सिर्फ हल्दी डलेगी, तो ये आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल लेते हैं। थोड़ी देर पकाएंगे इसको ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। थोड़ा पानी डाल लेते हैं इसमें। अब इसमें गुड़ डाल लेते हैं, ये लीजिए लगभग 2 बड़े चम्मच गुड़ डाल के इसको अच्छे से पकाते हैं। टमाटर भी गल गए हैं, गुड़ को पिघलाते हैं। अब चटनी बिल्कुल तैयार है, ग्लेज आ गया, चमक जिसको कहते हैं ना गुड़ के कारण। शुरुआत में पानी छूटेगा, फिर टमाटर पूरे अच्छे से गल जाएंगे। अब चटनी तैयार है। अब इस चटनी का मज़ा पता है क्या, मैं आपको बताऊं, ये चटनी जैसे ही आप सुबह बनाते हैं शाम को और मज़ेदार हो जाती है।
स्वादिष्ट हो जाती है। तो ये इसको हम अलग रख लेते हैं। और अब तैयारी करते हैं दाल बनाने की, यानी कि बोटार दाली। तो बोटार दाली के लिए हमने अरहर दाल और मसूर दाल भिगो के रखी है। प्रेशर कुकर मैंने ले रखा है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें हम यूज करेंगे फॉर्च्यून का सनलाइट सनफ्लावर ऑयल, और ये डाल लिया। इसमें हम डालेंगे तेज पत्ता, दो लाल मिर्च, ठीक है जी, तीन चार लाल मिर्च डालें, और जीरा। इसका तड़का लगा के हम दाल पकाएंगे। वैसे कुछ लोग दाल पकाते हैं, उबालते हैं, उसके बाद टेम्परिंग करते हैं। मैं सारा प्रोसेस आपको एक साथ दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये लीजिए, जैसे ही जीरा ब्राउन होने लगे, इसमें हम अदरक एक इंच टुकड़ा काट के डाल लें, बारीक काट के, लहसुन तीन चार कलियाँ चॉप की हुई डाल लें, ठीक है। और इसके साथ साथ हरी मिर्चें दो बारीक काट के डालें, या स्लिट करके डाल सकते हैं। अब प्याज डाल लेते हैं, एक बारीक कटा हुआ प्याज। अब प्याज थोड़े अच्छे से भुन गए, इसमें हम दोनों दालें डाल लेते हैं। ये लीजिए, अरहर दाल, मसूर दाल, इसमें थोड़ी हल्दी डालेंगे एक छोटा चम्मच। ये लीजिए जीरा पाउडर, ये थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, 1.5 टीस्पून डाल लेते हैं, ठीक है जी। और नमक डाल लेते हैं, नमक आप अपने स्वाद सेहत के अनुसार डाल लें। और थोड़ा पानी डाल लेते हैं। ये जो दाल है ये बहुत पतली नहीं होती, तो ये ध्यान में रखना है, बस ये बढ़िया तरीके से गल जाए, यही मुझे देखना है। इसमें प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाते हैं और लगभग 4-5 सीटियां लगाते हैं, 4 I think should be enough। तो 4 whistles लगाते हैं। उसके बाद दूसरी चीजें डालनी है, जैसे गरम मसाला, गुड़ डालना है, ढेर सारा धनिया डालना है, वो प्रोसेस दाल पकने के बाद करेंगे। तो 4 whistle के बाद प्रेशर कुकर को मैंने 10 मिनट तक ऐसे रखा, प्रेशर रिलीज हुआ, फिर ये देखिए दाल, वाह क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बढ़िया, ऐसी ही गाढ़ी दाल होती है। और इसमें अब फिनिश करने के लिए कुछ चीज़ें डालनी है। जैगरी गुड़ डालते हैं, 2 बड़े चम्मच, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, ये लीजिए ढेर सारा हरा धनिया जरूर डालते हैं, ये लीजिए 2 बड़े चम्मच हरा धनिया के डाल देते हैं। अब इसको मिक्स करते हैं, इंडक्शन बंद कर लेता हूं और इसको मैं थोड़ा अलग रख लेता हूं। ये लीजिए गुड़ भी मेल्ट हो जाएगा, वाह, दाल भी तैयार, मैं भी तैयार, और परोसने के लिए हम तैयार। दिस इज ब्यूटिफुल। ये लीजिए मेरी प्लेट परोसने की, इसको रख लेते हैं यहाँ पे, क्या बात है। थोड़े से चावल ले लेते हैं, कंफर्ट फूड की बात हो रही है इसलिए चावल ले लेते हैं, चटनी ले लेते हैं, ये लीजिए चटनी। और दाल ले लेते हैं, ये लीजिए, क्या बात है, बढ़िया। ये लीजिए हरा धनिया, वाह ब्यूटीफुल, कंफर्ट फूड विद लिटिल स्टाइल, घर का खाना थोड़े से स्टाइल में दे रहा हूं, ये मेरा भी घर का खाना और मेरा गो टू फूड, मतलब जिसको मैं कहूं ना कि मैं अपनी बेबे को बोलूं कि बेबे आप रोज बनाओ ये, और मैं रोज खाऊं, और वाकई रोज मिलता था मुझे, मजेदार है। तो घर के खाने की बात ही कुछ और होती है, सिंप्लिसिटी होती है उसमें, स्वाद होता है, यादें होती है। बस कुछ ऐसी यादें
यहाँ पे लेके आया हूँ फॉर्च्यून की 20वीं सालगिरह में। तो ऐसा ही करते हैं, स्वाद के नाम 20 साल के इस रिश्ते को सलाम।